हमारे संवाददाता हितेंद्र जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, आज अशोकनगर का दौरा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, फिलहाल किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही है? कांग्रेस ने बहुत तैयारियां की हैं और एक बड़ी जानकारी इसमें यह है कि दो दिन पहले तक सभाओं में 100 लोगों की बाध्यता थी, तो पहले कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को कार्यकर्ता सम्मेलन के तौर पर डिजाइन किया था, मगर जैसे ही ये बाध्यता हटती है तो इसको एक जनसभा के तौर पर जो है आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बीते दो दिन से कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि कमलनाथ के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रभावी बनाया जा सके, क्योंकि इस इलाके में कमलनाथ का आना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री इस इलाके में थे और तमाम सारे आरोप जो है उन पर लगा के गए हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है, अशोकनगर के राजपुर में आ रहे हैं, ये राजपुर वो इलाका है जो जयवर्धन सिंह, जो दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, उनकी विधानसभा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, यानी राजपुर के आसपास के सारे गांव उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से लगे हुए थे। और ऐसी स्थिति में जब पूरी की पूरी लड़ाई दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ या के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो जाती है और ये इलाका उन्हीं का माना जाता है, और लगातार ये बातें पूरे प्रदेश भर में चली जा रही है आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण कमलनाथ की सरकार गिरी है, तो देखने वाली बात है। लगातार लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे थे कि आखिर सिंधिया के इलाके में आकर कमलनाथ बात क्या करेंगे, तो ये सारी चीजों को लेकर ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और लोगों की नगाह इस वजह से भी है क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उनके यहाँ लोगों का समर्थन है, भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता और न किया जा रहा। ऐसी परिस्थितियों में क्या कमलनाथ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज सिंह की भीड़ पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि कल फिर दोबारा से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इस इलाके में दौरा है, तो तुलनात्मक तौर पर जनता को ये देखने के लिए और कांग्रेस द्वारा बताने के लिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो अकेले कमलनाथ अपनी दम पर पूरी पार्टी को और उनके प्रत्याशियों को पार लगाने का प्रयास करेंगे, तो जनता को संदेश देने के लिहाज से यह बहुत बड़ा आयोजन माना जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका हितेंद्र, तमाम जानकारी।